इधर निकाय चुनाव पर बोले हैं गाजियाबाद और हाथरस जिले के प्रभारी और राज्य मंत्री असीम अरुण। उन्होंने कहा कि टिकट पर सभी आवेदकों से बातचीत होगी और अगले 3 से 4 दिनों में नामों की स्क्रीनिंग करके प्रदेश कमेटी को भेज देंगे। मेयर के लिए भी जो उम्मीदवार आएंगे उनसे चर्चा होगी और जो भी बेहतर उम्मीदवार होगा पार्टी उसे टिकट देगी। जिनको टिकट नहीं मिलता है उन्हें भी भाजपा के लिए कार्य करना है, सभी को पार्टी के साथ जुड़कर कार्य करते हुए पार्टी को मजबूत करना है। आरएलडी के राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जाने पर कहा परिवारवाद के सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज हैंडपंप सिंबल भी फ्री हो गया है, अमृतकाल में अब कोई भी उस पर क्लेम कर सकता है। अखिलेश यादव, जयंत और चंद्रशेखर रमण के मोह जाने पर कहा कि जब अखिलेश सत्ता में थे तो उन्होंने दलित महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम पर। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नामांकन अब शुरू होने जा रहा है कल से। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गाजियाबाद के जिला प्रभारी असीम अरुण जी। सर, किस तरीके से गाजियाबाद में आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि कल से नामांकन शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, गाजियाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग की तैयारियाँ पहले से बहुत मजबूत हैं, दुरुस्त हैं और बहुत ही पारदर्शी तरीके के साथ सबसे अच्छे प्रत्याशी को चुनने का काम शुरू हो चुका है। आज हम लोग बैठक कर रहे हैं गाजियाबाद में, जहाँ पे जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो इच्छुक हैं, उनसे सबसे मिल भी रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो परीक्षण करेगी और कुछ नाम को शॉर्टलिस्ट करके तैयार करेगी, उसकी बैठक भी आज रखी गई है। क्या मौजूदा मेयर के साथ ही आप लोग आगे चुनाव में जाएंगे या फिर मेयर के नाम पर भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को? ये तो स्क्रीनिंग कमेटी अभी बैठेगी आज और इसको करेगी और जितने भी लोग इच्छुक हैं, आवेदक हैं, उसके अलावा भी जो पार्टी स्वयं समझती है सबके नाम पर विचार होगा। और गाज़ियाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। गाज़ियाबाद ने हम लोग को सेवा करने का मौका बहुत बार दिया है और इस बार हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेंगे और जीतने के बाद में और संकल्प के साथ सेवा करेंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे ये असीम अरुण जो कि गाजियाबाद और हाथरस के प्रभारी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगले 4 दिनों के अंदर तमाम सारे नामों की स्क्रीनिंग करके प्रदेश कमेटी को भेज दी जाएगी, उसके बाद नामों का ऐलान होगा। आज गाजियाबाद में जाकर के तमाम सारे प्रत्याशियों से बातचीत की जाएगी। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, ईबीपी गंगा, दिल्ली। इधर बिजनौर में एक बार फिर गुलदार की चहलकदमी कैमरे में कैद हो गई। नगीना थाना इलाके के कृषि अनुसंधान विज्ञान केंद्र में गुलदार देखने को मिला और गुलदार दीवार की बाउंड्री पर मूव करता हुआ दिखाई दिया। इसका राहगीरों ने वीडियो बना लिया और साथ ही इसकी जानकारी वन विभाग को भी सौंप दी गई। ये देखिए आप, यही वीडियो लोगों ने बनाया। बाउंड्री पर चहलकदमी करते हुए इस गुलदार को आप देख सकते हैं। ये बिजनौर की तस्वीर और ये वीडियो वहीं पर स्थानीय लोगों ने बनाया। इधर कुशीनगर से खबर है, एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। 2 बच्चों समेत 5 लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। रात में भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। इसी दौरान अचानक 5 सदस्य उल्टी दस्त करने लगे। पेट में तेज दर्द होने की वजह से फौरन अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। नगर पंचायत सुखरौली के बढ़िया बुजुर्ग टोला तकिया का मामला है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि यह फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ या कोई और मामला है। कुशीनगर से खबर है, एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। इसमें 2 बच्चे हैं और कुल 5 लोग हैं। इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा है। रात में खाना खाने के बाद ये सारे सदस्य सोए और अचानक 5 सदस्य उल्टी दस्त कर गए। तो ये अपडेट कुशीनगर से है, फूड पॉइजनिंग की खबर है। एक ही परिवार के सभी लोगों में दिखाई दिया, 2 बच्चों को भी फूड पॉइजनिंग की दिक्कत हुई। मेडिकल कॉलेज में इन्हें भर्ती कराना पड़ा, तबीयत इतनी बिगड़ गई रात में अचानक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।